हुए हैं, शहबाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। शहबाज, क्योंकि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को सुना, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, तो पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया, ये बड़ा सवाल है। जिक्र कर रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है 354, 354A, 354D, ये इन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। अब जब ये धाराएं लगती है तो उसके बाद सीधे गिरफ्तारी की बात कही जाती है। सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस या फिर जो पुलिस है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है। एक बात यहां पर निकल कर सामने आ रही है कि ये जो है नॉन बेलेबल गिरफ्तारी होती है, अगर गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद बेल जल्दी से नहीं हो पाती है। शायद इसीलिए पुलिस भी बहुत सोच समझ कर इसके ऊपर जो है संज्ञान लेगी, और इसीलिए अभी जो है अंदर खाने तमाम चीजें चल रही है कि आखिर गिरफ्तार किया जाए तो उसके पहले तमाम चीजें जो है एविडेंस जुटा लेने चाहिए। और इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अपनी तरफ से भी लगातार इसलिए बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल माइलेज जिससे ले लिया जाए। और इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे, अभी हमने सुना है यहां पर जिस तरीके से वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र कर रहे हैं या फिर शाहीनबाग की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो जो लगातार बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या उन देश की बेटियां जो लगातार मेडल जीतकर आती रही है और वो धरने पर बैठी हुई है, क्या वो बिना किसी वजह के इल्जाम लगा रही है? कुछ तो सच्चाई होगी, एक हो सकती थी, दो हो सकती थी, लेकिन अगर एक के बाद ये कई सारी लड़कियां ऐसे निकलकर सामने आती है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और इसीलिए इस पूरे मामले को जो के ऊपर जो है तमाम जो सियासी लीडरान है उसकी नजर बनी हुई है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि जो लीडरान यहां पर पहुंचाए हैं कि कहीं वो इसका सियासी फायदा ना उठा ले, इस बात को भी समझना होगा, कहीं ये जो आंदोलन है वो सियासत के भेंट ना चढ़ जाए, इसको भी समझना होगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर देखना होगा, कहीं ये पूरा आंदोलन, ये पूरा धरना और लड़कियों की लड़ाई जो है, बेटियों की लड़ाई जो है, वो कहीं ये एक तरह से राजनीतिक भेंट ना चढ़ जाए। क्योंकि हमने देखा जब पहली बार जनवरी में ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, साफ तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से ये कहा गया था कि किसी भी राजनीतिक दल को यहां पर आने की अनुमति नहीं है, आप राजनीति मत करिए, हम सिर्फ इंसाफ को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम पार्टियां जो है वो यहां पर जुट रही है, नारेबाजी की जा रही है, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, समर्थन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्योंकि विनेश फोगाट ये कह रहे हैं हम आने वाली जनरेशन के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाना जरूरी है। बिल्कुल, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है अनन्या, उनको एक पैगाम देना है, एक सिंबल देना है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, बेटी को खेल के मैदान में उतारना है, तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों से हमें पार पाना होगा। और यही वजह है कि अगर बेटियों के सम्मान में तमाम लोग आ रहे हैं तो वो कोई हो सकता है कि शायद उसमें कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आ रहे हो, लेकिन सबसे बात अहम जो निकल कर आती है वो यही आती है कि अगर आप किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना जा रहे हैं तो उसमें अपनी सियासी रोटी ना सेके, हो सकता है कि आपके बीजेपी से तमाम जो है दुश्मनी हो सकती है, सियासी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जाती है, कोई भी सियासी राजनेता वहां पर जाता है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाकर देश की बेटियों के लिए बात करनी चाहिए। और सबसे अहम बात एक और यहां पर निकल कर सामने जो आई है अनन्या, हमने देखा है कि पिछले 9 दिनों तक जो है अलग अलग जगह पर लोग पहुंचे हैं और आज हमने देखा 10वें दिन भी जो है राकेश टिकैत को हमने सुना है। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस या फिर और दूसरी जगह पर जहां जहां पर मामले दर्ज है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद कब एक्शन लेगी, और क्या इसके पीछे कोई एक राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है? अनन्या, बिल्कुल, क्योंकि शहबाज हमने देखा राजनीतिक संरक्षण की बात लगातार पहलवान भी करते आए, क्योंकि मैं वहां पर गई थी, मैंने कई पहलवानों से बात की, मैंने साक्षी मलिक से बात की, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया, हमने देखा पिछली बार किस तरह से हमें रातों रात बुलाया गया था डिनर पर, हमारे मामले को सुना गया था, जांच कमेटी बनाई गई थी, हालांकि उन जांच कमेटी के सदस्यों पर पहलवानों को भरोसा नहीं था, ना ही उस रिपोर्ट पर जो जांच कमेटी की तरफ से सामने रखी गई। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि पहलवान जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, उनकी तरफ से याचिका जो है वो डाली जाती है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, और ऐसे में अब गिरफ्तारी आखिरकार कब, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन धाराओं में मामला दर्ज है उसके बाद सीधे गिरफ्तारी होती है, पुलिस आखिरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अनन्या, क्योंकि आपने भी देखा है कि वहां पर कितने लोग मौजूद है और किस तरह से वो धरना दे रहे हैं, जिस गिरफ्तारी का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार उसके अंदर जो है पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट के अंदर ये होता है कि खास तौर पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ जो बच्चियां हैं वो माइनर भी है, उस वक्त माइनर रही होंगी, और इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। उसमें सीधा सीधे ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी होकर जो भी एक्यूज होगा। सवाल यहां पर यही बार बार उठ रहा है जिसका जिक्र अभी जावेद भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी इस पूरे धरने को कवर किया है और आपने भी वहां पर देखा होगा कि हर कोई उसके समर्थन में आ रहा है, देश की बेटियों के समर्थन में आ रहा है, और इंडिया
इंडिया न्यूज भी लगातार इस पूरे धरने को कवरेज दे रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग जानने की कि आखिर क्या वजह है, कौन वो शख्सियत है जो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है और क्या ऐसा मामला है कि क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक बात और यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, वो एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि मेरे समर्थन में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को एक तरीके से नीचे दिखाने के लिए या फिर प्रधानमंत्री का वो सहारा ले रहे हैं या फिर बिल्कुल ब्रजभूषण की तरफ से ये कहा गया कि मैं तो सिर्फ प्यादा हूं, पूरी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह की बात का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी है कि जो लड़कियां आरोप लगा रही हैं, सात लड़कियों की तरफ से सेक्सुअली हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर क्योंकि बहुत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, ऐसे में सवाल यह भी उठता है क्योंकि राकेश शिकायत को हमने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो देश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे ब्रजभूषण के खिलाफ। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अब ये आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा होता हुआ नजर आएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो? मुझे इस बात का डर है अनन्या कि कहीं ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है या जो यहाँ पर दंगल चल रहा है एक तरीके से, वो सियासी दंगल में तब्दील ना हो जाए। और इसका जिक्र हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब तक हम देखें कि शुरू से लेकर आखिर तक हरियाणा के तमाम जो लोग हैं वो आ चुके हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, इसके अलावा चौटाला की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये लोग क्या सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं? जो लोग भी वहां पर बेटियों के सम्मान में, बेटियों के बचाव में या फिर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आ रहे हैं, उनको मैदान में उतरना होगा और ये चीज एश्योर करनी होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटियों के बचाव के लिए आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब तक इस चीज को क्लैरिफाई नहीं होगा तो ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग जो है वो इस चीज का फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है या इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे प्रदर्शनकारी है जो कि शाहीनबाग से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जो एक खदशा जताया जा रहा है या फिर एक तरीके से एक आशंका जताया जा रही है वो यही है कि इस आंदोलन को अगर आगे बढ़ना है, अगर इसको आगे लेकर आना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि इसमें सियासी रोटी ना सेकी जाए। बिल्कुल शहबाज, आप सही कह रहे हैं कि सियासी रोटियां जो हैं वो ना सेकी जाए इस आंदोलन के जरिए। बात सिर्फ बेटियों की हो, बात सिर्फ इंसाफ की हो, बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, इस बात का ध्यान रखना इन खिलाड़ियों के लिए भी। और अब महाराष्ट्र